हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आ गई हूँ फिर से। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेट, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सुपर टेट, या चाहे केवीएस एनवीएस हो, किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस में जो प्रैक्टिस करा लूँगी, ये सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री में ऐसा इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड कोई नहीं करा रहा है, डेली बेसिस में आपको करा रही हूँ। डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हैं कि बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने कितने कीर्तिमान को तोड़ा। बीजिंग ओलंपिक 2008 चीन में हुआ था, जिसमें माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पीड्स के रिकॉर्ड को तोड़ा था। किसके रिकॉर्ड को तोड़ा था? मार्क स्पीड्स ने 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में 7 स्वर्ण पदक तैराकी में तोड़ा था। और इनके 7 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 में माइकल फेल्प्स ने 8 स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, माइकल फेल्प्स को मेडल विनिंग मशीन भी बोला जाता है। इन्होंने तैराकी में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। 2004 एथेंस ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 2 कांस्य पदक। एंड 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक, 8 स्वर्ण पदक थे। एंड 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीता था इन्होंने, जिसमें से 4 स्वर्ण एंड 2 रजत पदक। 2016 रियो ओलंपिक में 6 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण, 1 रजत पदक। तो कुल 28 मेडल इन्होंने जीता है, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज। इसलिए इनको मेडल विनिंग मशीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है आपको ए देखना है। तो इन सभी में आपका ऑप्शन नंबर ग राइट है कि रैखिक गति यानी लाइनर मोशन का कारण केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रिक फोर्स होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। तो आप सबको पता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के हमारे समस्त बॉडी के सेल में पहुंचाता है, और वहाँ सेल में जाकर के माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण रूप से जारण होता है और एटीपी का निर्माण होता है, जो हमको इंस्टेंट ऊर्जा देता है। और यही एटीपी जहाँ जहाँ बॉडी में जरूरत होती है ऊर्जा की, वहाँ वहाँ भेज दिया जाता है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस बार पार करने के बाद पोल वाल्टर की ऊंचाई से नीचे की ओर गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है नियमित रूप से गति, रेगुलर एक्सीलरेटेड गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौशल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है,
स्थिति का पूर्व दर्शन होता है तथा संचरण पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है स्वगतिकृत कौशल, सेल्फ पैसेज स्किल। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1956 में किया गया। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्न में से मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जिस वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगा। जैसे हम दीवार पे गेंद को मारते हैं तो जिस स्पीड से हम गेंद को दीवार पर मारते हैं उसी स्पीड से बाल मेरे तरफ आता है। तो यहाँ पे जैसे कि रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, ये सब आती है न्यूटन के थर्ड लॉ के अंतर्गत। तो यहाँ पे रनिंग एंड जॉगिंग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो आप सबको पता है विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग साइकिल में संक्रमण समय यानी ट्रांजिशन पीरियड का ध्येय होता है? तो इसका ध्येय होता है दोस्तों पुनर्लाभ यानी रिकवरी। जैसे कि पीरियडाइजेशन यानी अवधिकालीनता के अंतर्गत तीन फेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड यानी कि तैयारी का काल, कंपटीशन पीरियड यानी प्रतियोगिता काल, तीसरा काल होता है ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि रिकवरी पीरियड भी इसको बोला जाता है, यानी पुनर्लाभ काल। तो यहाँ पे का राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि हम तीन सिक्कों को उछाले तो तीन हेड आने की संभावना कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है क। नेक्स्ट है, जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों सिद्ध हो चुकी हो तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो उस परीक्षण को कहा जाएगा मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, एक स्टैंडर्ड परीक्षण के लिए कौन कौन से मानक होने चाहिए? तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों सिद्ध हो चुके हैं तो उस परीक्षण को हम क्या कहेंगे? मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्ड परीक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे विरुद्ध है आपका अति अधिकार की अति व्याप्ति यानी ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। ए ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के विरुद्ध है, और कौन उसके सपोर्ट में है, उसके अंतर्गत आता है? वो होता है समुचित संप्रेषण यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड समुचित विकेंद्रीकरण यानी प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन एंड शक्ति का प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक में संगीत के साथ कैसा आयोजन होना चाहिए? तो क्रायोग्राफ सहयोगी के साथ कौशल नृत्य ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचारित किया? तो आप सबको पता है ये है HVPM मंडल अमरावती, यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचार किया, जिसकी स्थापना 1914 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक शोध उपकरण नहीं है? तो दोस्तों स्टॉप वॉच भी है, वीडियो कैमरा भी है, प्रश्नावली भी है, बट सर्वेक्षण नहीं है, सर्वेक्षण नहीं है। नेक्स्ट, जिस क्षेत्र में खेल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को कार्य नहीं करना चाहिए सामान्यतः उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खेल नवाचार में कार्य नहीं करना चाहिए, और खेल मूल्यांकन खेल प्रबंधन का क्षेत्र खेल नेतृत्व में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, अंत विद्यालय खेल के लाभ है। यहाँ पे अंतर विद्यालय पूछा है, अंत विद्यालय नहीं, अंतर विद्यालय यानी एक्स्ट्रा मुरल, अंतर विद्यालय यानी कि इंट्रामुरल। इंट्रामुरल जो होता है वह विद्यालय के अंदर यानी जहाँ दीवारी के अंदर ही प्रतियोगिता होती है, एंड जो एक्स्ट्रा मुरल होता है अंतर विद्यालय एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच होती है, तो इसमें क्या लाभ होता है? तो दोस्तों इसमें लाभ होता है कौशल में दक्षता का विकास होता है एंड उच्च स्तरीय शारीरिक क्षमता का विकास होता है, यानी 1 और 4 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से आहार तत्व शरीर में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते? क्या पूछा है, कौन नहीं करते गर्मी और ऊर्जा? तो कार्बोहाइड्रेट वसा करता है, विटामिन्स एंड जल जो है वह गर्मी और आहार जो है गर्मी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, ये क्या करते हैं शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शरीर रचनात्मक संरचना को उनकी स्थिति के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आपको अवरोही क्रम में लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा कोराइड प्रोसेस, फिर ग्लिनाइड कैविटी, फिर G5 प्रोसेस, फिर एसिटाबुलम। नेक्स्ट है, यह कहा जाता है कि 2020 में आयोजित होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेल की बोली में इस्तांबुल निम्नलिखित कारणों से हार गया। इसका राइट आंसर होगा घ। क्या क्या कारण है? पहला है पड़ोस के देशों में भौगोलिक राजनीतिक अनिश्चितता, एंड दूसरा है पदाधिकारियों द्वारा कमजोर प्रस्तुतिकरण, चौथा है आपका अपेक्षित स्तर की सुविधाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता के प्रति अस्वस्थ होना, अस्वस्थ नहीं होना, ठीक है, ये 3 कारण है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा की व्यवसायिक आचार संहिता में सम्मिलित है, शारीरिक शिक्षा की व्यवसायिक आचार संहिता में कौन सम्मिलित है दोस्तों? तो यहाँ पे है व्यवसाय के प्रति समर्पण एंड नैतिक मूल्य समर्पित है। तो व्यवसाय शारीरिक शिक्षा की व्यवसायिक आचार संहिता में सम्मिलित है कौन है? तो व्यवसाय के प्रति समर्पण एंड नैतिक मूल्य, 1 और 4 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे दिया है पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस है। लार यानी सलाइवा जो होता है कहाँ से स्त्रावित होता है? मुंह से, मुंह में 6 यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरेटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इन्हीं से लार यानी लार ग्रंथि निकलता है, लार निकलता है जिसमें टैलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यह अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलता है, तो यहाँ पे जठर आपका राइट हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2। बाइल यानी सी है बाइल यानी कि पित्तरस, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत यानी लीवर में, तो सी का 3 हो जाएगा। इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में, तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, परम पूर्ति सुपर कंपनसेशन की प्रक्रिया में आता है।
तो सुपर कंपनसेशन क्या होता है दोस्तों, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जब कोई कार्य करते करते आप थक जाते हैं तो आपके अंदर कुछ भी ऊर्जा नहीं रहती है, आपकी कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और आप उस कंडीशन में पुनः आप ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, पुनः ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पुनः ऊर्जा बन जाता है, पुनः आप उससे भी ज़्यादा एक्टिव होकर के पुनर्जीवित होकर के पुनः ऊर्जा प्राप्त करके कार्य करने के सक्षम हो जाते हैं, उसी को कहते हैं सुपर कंपनसेशन। तो देखते हैं यहाँ पे सुपर कंपनसेशन की प्रक्रिया में क्या आता है। तो सुपर कंपनसेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर क, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले भार देंगे यानी कि वर्क करेंगे, उसके बाद थकान का स्तर आएगा, ऑप्टिमम स्तर यानी कि थक जाएंगे एकदम, उसके बाद आराम करेंगे और पुनः स्थिति की प्राप्ति करेंगे, ठीक है, थोड़ा देर तक आराम करेंगे पुनः स्थिति की प्राप्ति करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। इसलिए आपको याद रखना तो जरूर है ही, स्टेप बाय स्टेप भी उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय प्रश्न पूछने के लिए अनुसरणीय यानी एग्रीएबल मार्गदर्शक यानी गाइडेंस बिंदुओं का सही संयोजन नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो साक्षात्कार के समय सही गाइडेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, यानी कि पहले प्रश्न निष्पक्ष होने चाहिए एंड प्रश्न प्रासंगिक यानी रिलेवेंट होना चाहिए एंड प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षण मापन तथा मूल्यांकन का उपयोग निम्न कार्यों के निष्पादन यानी परफॉर्म के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ए वन और टू यानी कि स्थिति के निर्धारण के लिए और तुलना करने हेतु, प्रशंसा और चेतावनी होती नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट खेल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए कोड के अनुसार इसको क्रम में रखना है, ये सभी मैनेजमेंट के काम है बट क्रम बाय क्रम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहले तो हम प्लानिंग बनाएंगे, नियोजन करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसका समन्वय सब में कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे, उसके बाद कंट्रोल करेंगे उसको, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थि मांसपेशियों को क्रमशः अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए, अवरोही मतलब घटते क्रम में यानी बड़ा से छोटा में आपको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, यानी सबसे पहले आएगा आपका गैस्ट्रोनेमियस, जैसा कि ऐसे में आप जानते हैं कि सबसे लंबी अस्थि मांसपेशी सार्टोरियस है जंग की एंड सबसे बड़ी ग्लूटियस मेडियस मेडिमस कुल्ले की एंड सबसे छोटी कान की स्टेपिस एंड सबसे मजबूत मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी, तो यहाँ पे जो दिया है चार पेशियाँ उनमें से आपको छांटना है और वही क्रम में, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा गैस्ट्रोनेमियस पेशी जिसे कॉफ मसल्स भी कहते हैं, गैस्ट्रोनेमियस जिसे कॉफ मसल्स भी कहते हैं एंड उसके बाद हो जाएगा थ्री आपका क्वाड्रिसेप्स जांघ के ऊपर जो पेशी होती है एंड उसके बाद हो जाएगा टू सब लंबिका पेशी यानी ट्रेपेजियस, उसके बाद हो जाएगा उरोकण मूलिका पेशी यानी कि स्टर्नोमस्टॉयड, ये आपका सीक्वेंस राइट होगा। नेक्स्ट नेतृत्व प्रक्रिया की संकल्पना कॉन्सेप्चुअलाइजिंग के निर्माण में कैरेन ने दो मूलभूत प्रणालियों की पहचान की है, वो क्या है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा वन और थ्री यानी प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस प्रणाली एंड पुरस्कार यानी रिवार्ड प्रणाली।
नेक्स्ट है उन्नत स्तर के खिलाड़ी के प्रशिक्षण के निम्न घटक होते हैं। तो उन्नत स्तर के खिलाड़ी के प्रशिक्षण के क्या घटक होते हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ग टू और फोर, यानी कि वास्तविक वातावरण घटक होना चाहिए। वातावरणीय घटक यानी पूर्व प्रशिक्षण की प्रकृति तथा मात्रा, ये दोनों घटक उन्नत स्तर के खिलाड़ी के प्रशिक्षण के होना चाहिए कि वातावरणीय घटक कैसा है, आप पहले के प्रशिक्षण में उन्हें क्या जाना है, कितना मात्रा में सीखा है, ये सभी बातें। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की कुछ अवस्थाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें क्रम में कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है विश्लेषण यानी एनालिसिस, मूल्यांकन, सूचना, अनुप्रयोग यानी अप्लीकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी सूचना को लेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे किसी सूचना को लेंगे, यानी कि पहले दो को लेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट है अभिकथन यानी स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चंस है। अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, ये बात तो सही है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है। आर है कि खेल भावना क्रीड़ा केवल प्रतियोगिता को जीतने पर ही बल देती है, ये बात तो रॉन्ग है, यानी कि सही दोनों है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये बात सही है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह को भेजता है पोषक तत्वों को, हीमोग्लोबिन को, रक्त परिसंचरण के द्वारा ही सब संभव हो पाता है, तो एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बात सही है। एंड आर है इसके तर्क में कि हृदय प्रत्येक कोशिका यानी सेल को O2 तथा पचित आहार सामग्री भेजता है तथा कोशिकाओं से CO2 तथा अवशिष्ट पदार्थ वेस्ट को प्राप्त करता है, बात राइट है। इस प्रकार दोनों राइट है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है नीचे दो अभिकथन, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि टाइप 3 लीवर गति के रूप में भी लाभ, टाइप 3 लीवर यानी कि उत्तोलक का जो तीसरा प्रकार का उत्तोलक है वो गति के रूप में लाभ प्रदान करता है, तो राइट है क्योंकि प्रथम प्रकार के लीवर को संतुलन का, द्वितीय प्रकार के लीवर को बल का, तृतीय प्रकार के लीवर को गति का लीवर कहते हैं, तो ए राइट है आपका। आर है कि टाइप 3 लीवर की प्रतिरोध भुजा लंबी होती है, यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि आर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कि अभिकथन ए है कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक कोर गहराई यानी कि साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनालिटी तक बैठा हुआ घटक है जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व की विशेषताएं, मूल्य, अभिरुचियां, उद्देश्य, वार्म अप, सेल्फ वर्थ सम्मिलित होता है, ठीक है। तो ए वाला आपका सत्य है, आर देखते हैं, आर में है कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक कोर गत्यात्मक तथा बाह्य है तथा परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा करे वो। तो यहाँ पे है ए सत्य है परंतु आर असत्य। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर पाठचर्या के विकास को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति ग्रहिता तथा चलन शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए, ये बात राइट है। आर है इसके तर्क में
कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है तथा हम जीवन प्रयत्न अपने अनुभवों को से सीखते रहते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, बट उस यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका राइट है, ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अभिकथन ए है कि एक मानक परीक्षण के मानदंड एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने का साधन उपलब्ध कराते हैं। एक मानक परीक्षण के मानदंड जो है वह खिलाड़ी के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो ए आपका राइट है। आर है कि एक मानक परीक्षण के मानदंड के मूल्यों को किसी के भी द्वारा बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि विद्यालय शिक्षा पाठचर्या का प्राथमिक सहायता तथा सुरक्षा की विद्यालय शिक्षा पाठचर्या का प्राथमिक सहायता तथा सुरक्षा शिक्षा का भाग होना चाहिए। सही बात है। एंड आर है कि जीवन में आने वाली आकस्मिक स्थितियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कि ए और आर दोनों राइट है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यहाँ क राइट होगा। तो सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि स्वतंत्रता की मात्राएं किसी प्रतिदर्श यानी सैंपल में प्राप्तांक की संख्या होती हैं जो परिवर्तित होने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात सही है। आर है कि सार्थकता सिग्निफिकेंस के स्तर का परीक्षण करने के लिए टी वैल्यू स्वतंत्रता की मात्रा पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट है क, ए और आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि हृदय तथा रक्त नलिकाओं की क्षमता को मापने के लिए रक्त दाब का मार्गदर्शन होता है 120/80 mmHg। ठीक है, रक्तदाब सामान्य रक्तदाब कितना होता है 120/80, यानी कि 120 जाने का अधिकतम होता है और न्यूनतम आने का जो होता है 80। कैसे होता है, आर में यह दिया हुआ है। कारण आर है कि अकुंचन यानी सिस्टोल के समय बाया अलिंद अकुंचन यानी सिस्टोल के समय बाय अलिंद यानी लेफ्ट वेंट्रिकल महाधमनी में रक्त धकेलती है। बात सही है। उस समय रक्तदाब 120 mm होता है। सही है, महाधमनी के समय जब संकुचन होता है तो ज़्यादा भार पड़ता है धमनियों पर, तो वहाँ जो रक्तदाब होता है 120 mmHg होता है। फिर क्या होता है, जब डायस्टोल जब रक्त भरता है तो डायस्टोल के समय जब बाया अलिंद जब बाया निलय पुनः फैलता है रक्त भरने के लिए तो उससे रक्त भर जाता है, जो रक्त दाब 80 mmHg होता है। तो रक्त को शरीर की तरफ फेंकते समय 120 mmHg और पुनः भरते समय यानी सिस्टोल के समय 120 और डायस्टोल के समय 80, इस प्रकार जाने का 120 आने का 80 mmHg होता है। तो यहाँ पे दोनों राइट है, दोनों राइट है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आर और ए दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि WADA यानी कि वाडा राष्ट्रीय वाडा जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर डोपिंग कार्यक्रमों का समन्वय कोऑर्डिनेशन करता है और आर है कि वाडा खेल प्रदर्शन बढ़ाने वाला मादक पदार्थों
कोई हानिकारक प्रभाव से खिलाड़ी की सुरक्षा करता है तथा खेल प्रतियोगिता में समान अवसर निर्माण के लिए प्रयासरत रहता है। ये बात सही है, आर आपका एकदम राइट है, लेकिन ए आपका गलत है। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ किए जाने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क, यानी कि सबसे पहले स्थापना हुआ था एनसीसी की 1948 में, फिर हुआ था एनपीएफपी की, उसके बाद एनडीएस की हुआ था 1954 में, उसके बाद एनएसएस का हुआ था 1969 में। ठीक है, इस प्रकार क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें आपको यह देखना है। तो इसमें घ आपका सुमेलित नहीं है कि निराकरणीय प्राकल्पना को अस्वीकार करना जब एच जीरो असत्य हो, तो यह प्रथम प्रकार की त्रुटि होता है। ये आपका गलत है क्योंकि यह द्वितीय प्रकार की त्रुटि होता है। और आगे इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। यह जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड के सारे शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, गर्ट्समर्स कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जर्मनी में इनको जिम्नास्टिक के पितामह भी कहा जाता है। एंड बी है पर हेनरिक लिंग, जो स्वीडन के थे, यानी कि ए का फोर हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर हो जाएगा। एंड पर हेनरिक लिंग स्वीडन के थे तो बी का वन हो जाएगा। एंड फ्रेंच नेसगाल जो है डेनमार्क के थे तो सी का टू हो जाएगा। आर्किबाल्ड मैक्लेरिन जो थे वो इंग्लैंड के थे तो डी का थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, आपको सूची वन से सूची टू को मिलान करना है। यह आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से है। तो देखते हैं, सर्वांगी परिसंचरण, तो यहाँ पे आपको घ राइट होगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उससे क्या होता है? सभी भागों में O2 और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। तो ए का वन ही हो जाएगा। बी है हृदय परिसंचरण, कोरोनरी सर्कुलेशन, तो कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय की पेशी को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। क्या करती है? हृदय की पेशी को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति कौन सी धमनी करती है? कोरोनरी धमनी करती है। तो बी का टू हो जाएगा। एंड सी है फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, जब पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के फेफड़ों में जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन, जो अशुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन पाकर के शुद्ध हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यह क्या करता है? रक्त शुद्धिकरण के लिए जाता है। तो सी का थ्री हो जाएगा। एंड डी है वृक्कीय परिसंचरण, रीनल सर्कुलेशन। इसके द्वारा रुधिर से मूत्र को अलग किया जाता है, यानी रक्त को छानने का काम करता है किडनी। ठीक, इस प्रकार घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सूची वन को टू के साथ मिलान करना है। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, यानी कि ए का फोर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी कोहलर ने दिया था, आप जानते हैं। गुणारोपण सिद्धांत, बी का वन अभिप्रेरणा है। अंतर्नोद सिद्धांत, सी का टू आक्रमण है। मनोगति सिद्धांत, डी का थ्री व्यक्तित्व से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची वन का सूची टू से। तो यहाँ पे देखना है बास्केटबॉल, जो आंसर बास्केटबॉल टेस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए का फोर। एंड वॉलीबॉल, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट होता है तो सी का टू हो जाएगा। तो ए का फोर, सी का टू कहाँ पे दिया हुआ है? ग में। कहाँ दिया हुआ है? ग में। तो बी का वन हो जाएगा, धनुर्विद्या आर्चरी हाइट से रिलेटेड है। एंड हैंडबॉल जो है कार्निस राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 47 आपको मिलान करना है सूची वन का सूची टू के साथ, और सही मिलान करना है क्योंकि मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर की हूँ। तो यहाँ पे भार प्रशिक्षण वेट ट्रेनिंग मेथड, जहाँ पे वेट ट्रेनिंग की बात आ जाएगी वहाँ मसल्स का प्रयोग होगा, यानी कि वहाँ पे स्ट्रेंथ राइट होगा। क्या होगा? स्ट्रेंथ यानी कि बल राइट होगा। तो ए का टू हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। एंड बी है अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि इसमें गैपिंग कर करके ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पीड एंड्योरेंस यानी कि गति सहनशीलता डेवलप होता है, तो बी का वन हो जाएगा। एंड सी है निरंतर प्रशिक्षण पद्धति यानी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? इससे सहनशीलता डेवलप होती है, यानी मूलभूत सहनशीलता आपका राइट हो जाएगा, सी का फोर। एंड डी है प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि, ये क्या करती है? ये विस्फोटक शक्ति को बढ़ाती है, ये होता है आपका थ्री राइट हो जाएगा, शक्ति यानी पावर। ठीक, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है आपको फिर से सूची वन का सूची टू के साथ मिलान करना है, तो देखते हैं कौन सा राइट होगा इसमें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट है, उसके बाद मिलाते हैं तो ए का टू हो जाएगा, यानी कि शिक्षा जीविका वृत्ति का अवसर एडेप्टेड सारी शिक्षा कहलाएगा। एंड बी है प्रशिक्षण जीविका वृत्ति का अवसर, यह हो जाएगा व्यवसायिक खेल क्लब। एंड सी है फिटनेस तथा स्वास्थ्य से संबंधित जीविका वृत्ति का अवसर, तो सी का वन हो जाएगा, हेल्थ क्लब। डी है खेल प्रबंधक जीविका वृत्ति का अवसर, तो ये हो जाएगा खेल प्रशासन, खेलकूद प्रशासन। इस प्रकार क आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यह आपका पोषक तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूची वन का सूची टू से मिलान करना है। ए है आयरन, आयरन से क्या होता है? खून का निर्माण होता है यानी रक्त का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, तो ए का फोर हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर हो जाएगा। एंड सोडियम क्या करेगा? सोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव रखता है कार्य करने के लिए, नर्वस सिस्टम का कार्य करता है, चेतना तंत्र चेतना लाने का कार्य करता है, तो बी का थ्री हो जाएगा। एंड फास्फोरस क्या करता है दोस्तों? मजबूत अस्थि का विकास करता है, तो कैल्शियम फास्फोरस मेन चीज होता है अस्थियों के लिए, तो सी का टू हो जाएगा। एंड आयोडीन क्या करता है? थायराइड के कार्य को प्रभावित करता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे झिंगा रोग कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची टू के साथ पुनः आपको मिलाना है। यहाँ पे है घ आपका राइट होगा कि अनुदेशात्मक कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, इसका राइट आंसर होगा थ्री, ये आपका होगा समय सारणी का शेड्यूलिंग। एंड बी है सुविधाओं और उपकरणों का पर्यवेक्षण सुपरविजन, तो बी का हो जाएगा फोर, यानी खेल के मैदान व्यायामशाला तरण ताल आदि का वार्षिक रख रखाव कूट होता है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन का काम। सी है कार्मिकों यानी प्रोफेशनल का सर्वेक्षण, पर्सनल का पर्यवेक्षण, तो सी का हो जाएगा वन, यानी कि भारतीय या स्टाफिंग कहलाएगा। डी है अभिलेखों का पर्यवेक्षण, इसका हो जाएगा टू, यानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन तथा सम्मान। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। दोस्तों इस प्रकार आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू हुए। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं डाउट पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड डेली बेसिस पे इसी की तरह प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।